जय रघुनाथ जी के साहब, वहां एक कहावत है नहीं कि अकेला चनो कभी भाड़ नहीं फोड़ी सके। सरकार में कौन रहेगा, सत्ता में कौन रहेगा, यो तय करे जनता। ठीक ऐसो का ऐसो हिसाब कई चैनल उनको भी है। समीचार कौन सा बाजार में चलेगा, कौन सा बाजार से बाहर हुई जाएगा, कि क्या लोग कितना पसंद करे, इस पर सत्ता ही निर्भर करे। आपको अपना समीचार चैनल है न्यूज मालवा, यो कितना आगे जाएगा, लोग उन तक कितना लोग उन तक पहुंचेगा, ये आपके तय करना है। आपके कभी समीचार पसंद आई रहा हो, अच्छा लगी रहा हो, तो इनके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलियो ना। लाइक कमेंट में जरा जय रघुनाथ जी की थोड़ी कम होगी है, बढ़ाई दीजिए, आपसे सबसे अरज है। चलो मना है आज का गणपति। आज का समीचार की शुरुआत आज का सबसे सुपरहिट दासू समाचार का साथ करा। दासू यूं हूं कि अदालत को फैसला ज्यादा आएगा जत की बात, सरकार को फैसला हाथ तो हाथ। पिपलोदा द्वारकाधीश गांव में किसान भजप्पड़ा नेताजी ने पूर्व सरपंच साहब राम निवास जी कुमावत ने विनका घर से मासा मुंडी भाई की हत्या, विनका घर लूट करवा वाला अपराधी उनका घरे शुक्रवार पीला भेरू जी पहुंची गया। दे दड़ा दन नी बचियो कोई पिल्लर, इतना चलिया घन। एक तो थो आरिफ पिता मेहरबान सा, ईका घर का खम्बा उनकी निकली गया। एक तो विशाल पिता मिश्री लाल, ईका घर की छत दीवार ने पिल्लर का भी देखी लो हाल। तीजो थो नाबालिग, मामा ने विके पालियो, भांजा का खोटा करम ने मामा को भी निकालियो दिवालियो। एक तो अल्पेज पिता लियाकत, आखा घर पे भारी पड़ेगी की हरकत। यो थो साहब पीला बेरू जी को शुक्रवार को काम, खोटा काम छोरा करे आखा घर वाला चुकाए विको दाम। पुलिस तो पुलिस हो, अपराधी कितरो चत्रो बनी जाए, पुलिस अपनी पाए तो कजा कितरा की पिछवाड़ा की साइज बदली जाए। पुलिस की दबंगता वालों यो एक वीडियो भी देखी लो। आखा उज्जैन संभाग में गाय दन से कंजर उनकी वारदात बढ़ती जा रही है। चाहे जद आए कभी भैंसिया खोली के ले जाए, कभी गाड़ी उठाई जाए। राजस्थान की सीमा से गाय दन कंजर उन मंदसौर जिला वाला सीतामऊ क्षेत्र की एक मोटरसाइकिल उठाई गया था। इनका चक्कर में सीतामऊ वाला टीआई दिनेश प्रजापत जी ने हाथ में ली गन, अकेला कंजर उनकन पहुंची गया। विन के राजस्थान तक छोड़ी के आया न लगे आज चेताई भी दियोगा, अगली बार कभी अयाणी उज्जैन संभाग गाड़ी घुसिया तो पाछो जाने लायक नहीं छोड़ांगा। टीआई की दबंगता वाला यो वीडियो सोशल मीडिया पर जम के वायरल हुई रही है। क्या बोले? और उधर एमपी में आना मत, बता रहा हूँ तुम्हें, कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर परेशानी तुम्हें पड़ेगी, ज्यादा फोर्स आएगा, परेशान तुम होगे। सीतामुतरा मरा आना, सीतामुतरा अब उधर बिल्कुल मत आना, बता रहा हूँ तुम्हें, सीतामुतरा मत आना। सीतामू तुमने लाए क्या? अरे हट, फालतू बात करता है, मुझे नहीं मालूम क्या बात कर रहा है यहाँ पे। अब आना तुम लोग, बताऊंगा फिर तुम लोगों को। अब है ना सुन, अभी एक थाने का बोर्ड है, पूरे थाने का बोर्ड लाऊंगा अपने, मान के चलना आसपास का। अरे नहीं बात करूं मैं तुम लोग, किसी से बात नहीं करूं मैं, तो मेरी बात करता हूँ, मैं मेरी बात करता हूँ, सीधे बता रहा हूँ तुम्हें। मैंने समीचार में पुलिस का आपके दो रूप दिखाया, एक में अपराधी उनका मकान गिराया, दूजा में कंजर उनके धमकाया। पुलिस को जब तीजा रूप भी देखी लो, समाज सेवा वाला रूप। साजापुर में सड़क वाला एक्सीडेंट कम करवा खातर जिला पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली उन पर रेडियम लगावा का अभियान चलायो। इका अलावा ट्रैक्टर ट्राली वाला किसान भाई उनके सड़क पर चलता टाइम सावधानी बरतवा की समझाइश दी। एक समीचार आपने देखे होएगा, सुनियो होएगा, अपना चैनल पे नहीं, दूजी जगह उन पे। समीचार यो के मक्सी रोड आड़ी का चकोर पार्क में जावास पड़ा लोगों का आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत का चक्कर में पड़िया छोर छोरी उनके लव जिहाद हरी की हरकत बचावा खातिर ऐसी बात जरूर सामने आई थी, पड़ी हकीकत नहीं है। आधार कार्ड दिखाई के चकोर पार्क में प्रवेश वाला मामलो कोरी लफा जी निकली है। हाल अनी तरह का कोई आदेश निर्देश जारी नहीं हुआ है, सुझाव है अमल में लाए तो ठीक, नहीं लाए तो ठीक। हमारे उद्यान विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और हमारे पार्षद साथी
चकोर पार्क पर गए थे और विगत कई दिनों से कुछ प्रकार की घटनाओं की जानकारी वहाँ पर मिल रही थी, तो उन्होंने कैसा सुझाव दिया है कि वहाँ पर आने वाले लोगों का आधार कार्ड भी हम देखें, इस प्रकार का उन्होंने सुझाव दिया है। लेकिन अभी नगर पालिका निगम के माध्यम से या हमारे द्वारा ऐसा कोई आदेश हमने जारी नहीं किया है। ये जरूर है कि कोई लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति है जिस पर अपने को शक होता है तो उनका आधार कार्ड देखने में कोई बुराई भी नहीं है, आधार कार्ड देखना चाहिए ताकि कोई असामाजिक तत्व अगर पार्क में आता है, किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो हमको उसकी जानकारी होना चाहिए। आई जाम वही जाम, घंटों में निपटा मिनटों को काम, भीड़ में फंसी जाओ तो हालत हुई जाए ढीली, भाड़ी ठंड में पसीना बूसट हुई जाए गीली। अपना उज्जैन शहर को ट्रैफिक में जरा ऐसो जे, खासकर पुराना शहर को आने हालत के बदलवा खातर अबे वापोर जी मुकेश टटवाल जी कमर कसी ली है। शनिवार से अक्खा पुराना शहर में अर्थी कमंड हटावा खातिर अभियान चलेगा। पहला मुनादी करी के व्यापारी उनके सड़क से माल हटावा चेतावनी देगा। एक बात जो नहीं मानेगा वी को सामान भी जब्त हो जाएगा। वापोर जी नगर निगम आयुक्त ने दूजा अधिकारी उनसे साफ साफ कह दियो कि अतिक्रमण करवा वाला उनसे कई लाड़ प्यार नहीं, जो बने सड़क पर बाधा इनका करी दो आधा पाधा लोग सुधा। हमने पेरू में भी सारे दुकानदारों से सारे व्यापारी से हमने अनुरोध किया था कि वो दुकान का अपना जो सामान है नाले के अंदर रखे, नाली के अंदर रखे, जहाँ तक उनकी सीमा वहाँ रखे। लेकिन व्यापारी बंधु अपना सामान रोड तक ले आते हैं, नाले के बाहर ले आते हैं और काफ़ी अव्यवस्थित करके अपना व्यवसाय करते हैं, जिसको हमने पूर्व में भी हटाया था। आज भी मैंने कमिश्नर को कहा है तो जो हमारे प्रमुख बाजार हैं जिनको हमने तय करा है कि अतिक्रमण से मुक्त रहे, हमने एक बार पुनः हटाए भी थे फिर लोगों ने वापस लगा लिए हैं। आज मैंने फिर कहा है कि वहाँ पर इन सबको अतिक्रमण तुरंत हटाने की कार्रवाई करें। नवी शिक्षा नीति लागू होवक बाद विको कई फायदो रियो कई नुकसान आनी पे मंथन खातिर शुक्रवार अपना उज्जैन शहर में देश का चार राज्य उनका 350 ज्यादा कुलपति जी उन बेला विया। विक्रम विश्वविद्यालय ने इनकी मेजबानी करी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब भी उज्जैन आया था। राज्यपाल जी ने कार्यक्रम में कोई 2 घंटा तक रुकिया। 10 सत्र उनमें सगला कुलपति जी उनने नवी शिक्षा नीति बात करी। इनका मंथन से निकलियो अमृत रिपोर्ट का रूप में अब सरकार करने जाएगा। विद्यालय के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है जब विश्वविद्यालय में पहली बार 350 से ज़्यादा कुलपतियों का समागम 4 स्टेट के हुआ, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुलपतियों का यहाँ समागम हुआ। इस पर जो है 10 सेशन के तहत जो है नई शिक्षा नीति पे पूरा विस्तार से चर्चा हुई, उसके विभिन्न पैरामीटर पर कि उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाए। यूजीसी के चेयरमैन साहब इसमें सम्मिलित हुए और ये कार्यक्रम यूजीसी द्वारा निर्धारित किया गया था। 5 जोन में भारतवर्ष को बांटा है, ये 4th जोन है जो सेंट्रल जोन है, जिसके लीड कोऑर्डिनेटर विक्रम विश्वविद्यालय कुलपति को बनाया है, उसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ है। किसान भाई उन वास्ते भी एक जरूरी समाचार, रबी सीजन में समर्थन मूल्य गेहूं की खरीदी वास्ते किसान भाई उनका पंजीयन 5 फरवरी शुरू हो जाएगा। उज्जैन तहसील में 19, खाचरोद में 20, घटिया में 17, जाडला में 8, तराना में 8, नागदम 15, बड़नगर में 35, महितपुर में 12, माकड़ोन में 13, मैंने आखा जिला में को 147 पंजीयन केंद्र उन बनाया। इन पर अधिकारी ने ड्यूटी तय हो गई है, 5 फरवरी से 1 मार्च तक पंजीयन चलेगा। बदनावर में गई 25 जनवरी के स्कूल का कर्मचारी बिंदु सिंह जी राठौर वाला मर्डर की कहानी खुली गई है। बिंदु मड़ाक दोस्त जी को हत्यारों निकलियो। बदनावर का मानस स्कूल में काम करवाला बिंदु सिंह जी 25 की सांझ स्कूल से घर जाओ वास्ते निकलिया था। अगला दिन अवेर रास्ता में इनकी लाश पड़ी मिली, कड़ीन इनके गोली मारी दी थी। बदनावर वाला TI साहब राम सिंह जी राठौर ने इनकी आखिरी टीम इना अंधा कतल की जाँच में भिड़िया थका था। इना मामला में पुलिस ने मानस स्कूल में बिंदु सिंह जी के साथ काम करवा वाला विका दोस्त पिंटू धानक के उठाया। पिंटू धानक नौगांव को रहने वालों है। जनी टेम बिंदु सिंह जी देखो पोस्टमार्टम भी हो, जनी टेम अंतिम संस्कार भी हो, वनी टेम यो पिंटू धानक मांज मौजूद रह के धड़ा फड़ा फड़ी के सर रोई रहो तो जने कई कू यार। पिंटू का उठावा के बाद पुलिस ने विषय पूछे क्यों रे भाई काय लेने मारियो, वी को जवाब भी अटपटो। पिंटू ने पुलिस के बतायो कि वी के कई शारीरिक कमी थी, बिंदु सिंह जी दोस्त था,
आणि वास्तव इनके भी आणि कमी बारम भरोसा करके बताई दियो थो। इका बाद बिंदु सिंह जी आए धन विके प्रताड़ित करतो थो। याज वजह आरोपी के बताई, आरोपी ने बताई पुलिस के, हकीकत कही है ये और भी जांच होगा, समय जाएगा। कानून थाना एक के ग्राम शेरगढ़ के पास स्थित मानस एकेडमी स्कूल के पास में एक 25 तारीख को एक घटना घटी थी, जिसमें उस स्कूल के कर्मचारी जो कि बसों के मैनेजमेंट का काम देखता था बिंदु सिंह और विदेन सिंह, उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। घटनाक्रम चूंकि इस क्षेत्र में इस तरह की घटना होना एक बड़ा ही सनसनीखेज टाइप का मामला था, इसलिए तुरंत ही इस पर गंभीरता से काम करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मनोज सिंह जी के द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री बाकलवार सर के निर्देशन में टीमें गठित की गई, जिसमें समक्ष साक्ष्य एकत्रित किए गए और कुल मिलाकर के जो घटना सामने आई उसके उसमें जो पिंटू करके व्यक्ति है उसके द्वारा ही घटना कारित करना पाया गया, जिस पर से उसे विधिवत गिरफ्तार करके न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। कल केंद्र सरकार माने मोदी जी सरकार वालों बजट आयो, पहला जमाना में रेल को बजट अलग आतो थो ने आम बजट अलग से आतो थो। मोदी जी ने अलग अलग बजट वाला चटक चाले बंद कर दिया, रेल वालों भी एक बजट में शामिल कर दियो। खैर आप तो काम की बात सुनो, हनी बार का रेल बजट में अकेला रतलाम मंडल के कोई 2281 करोड़ रुपया उनका नवा काम मिलिया है। उज्जैन खातर सबको बड़ा समाचार यो कि उज्जैन से देवास होता हुआ इंदौर तलक की रेल लाइन के डबल करवा खातर 185 करोड़ रुपया मंजूर भी है। इका अलावा उज्जैन शहर में एक पुल वास्ते टोकन का 10 लाख रुपया, नई खेड़ी कने पुल के लिए 1 करोड़ रुपया, बेड़ावनिया नागदा का बीच पुल के लिए 2 करोड़ रुपया, नागदम यार्ड कने टू लेन पुल बढ़ावा खातर 2 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है। चलो साहब आज का मंडी भाव देखिला, शुक्रवार उज्जैन मंडी में आए लोकवन का भाव 2200 से लेकर 3117 रुपया, पूर्णाक भाव 2482 से लेकर 3200 रुपया, पोषक का भाव 2200 से लेकर 2425 रुपया कर रहा है, काबली चनाक भाव 9901 से लेकर 14501 रुपया, शंकर चनाक भाव 5201 रुपया, ने सोयाबीन का भाव 2251 से लेकर 5200 रुपया कर रहा है। आपने देखा आज का बुलेटिन, बुलेटिन आपके कैसे लगे बता दीजिए जरूर, काले फिर हाजिर होंगे आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके, मारे मन सेन के दीजिए इजाजत, जय रघुनाथ जी की।